जब पैदा हुआ वो अंधा था। आसपास के लोगों ने उसे देखकर उसके माँ बाप को बोला, ये किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बहुत मुश्किल से उसे किसी स्कूल में एडमिशन भी मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स आने के बाद 11वीं में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे किसी तरह साइंस में एडमिशन लेने का मौका मिला। 12th में साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के बाद वह IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया का कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद उसने US की फेमस यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वह इंडिया का पहला ब्लाइंड स्टूडेंट था जिसे MIT में एडमिशन मिला। लेकिन इसके बाद वह चाहता तो अच्छी सैलरी में वहाँ काम कर सकता था, लेकिन वह इंडिया आया और अपने जैसे लोगों की हेल्प करने की सोची। और इसके बाद उसने हैदराबाद में बॉलेंड इंडस्ट्री की स्थापना की और वहाँ दिव्यांग लोगों की नौकरी दी और उन्हें सम्मान से जीना सिखाया। दोस्तों, जिसे दुनिया ने बहुत समझती थी, आज वही लड़का 100 करोड़ कंपनी का मालिक है और वो अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बुना। दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।